अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पाई नेटवर्क के सीईओ हैं, मॉडरेटर हैं एएमए, इसका मतलब है आस्क विद मी। जी यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई है पाई नेटवर्क के हवाले से डॉक्टर निकोलस एंड चिंगडियाओ फैन की। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। इनकी लंबी वीडियो थी, इंग्लिश में थी, मैं आपको चंद मिनट में बता देता हूँ कि इनकी क्या मतलब राय आ रही है। जी दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ केवाईसी रीसबमिशन ये क्या है। जी दोस्तों, ये अपडेट पाई नेटवर्क के ऊपर आ चुकी है। केवाईसी रीसबमिशन का दोस्तों ये मतलब है कि अगर आपने केवाईसी का अपना प्रोसेस किया था, उसमें आपकी इमेज, आपकी ये हो सकता है तस्वीर ठीक ना आई हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपने अपना आधार कार्ड या आईडी कार्ड के ज़रिए आपने जो अपनी केवाईसी की थी, उसमें कोई भी मसला आ सकता है आपकी केवाईसी के अंदर, केवाईसी प्रोसेस के अंदर। तो अगर कोई मसला आ सकता है कि आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब है आपकी केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगी, जो चीज़ आपकी गलत हो गई होगी तो उसको आप दोबारा कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। इसके बाद आता है केवाईसी नोटिफिकेशन। दोस्तों, केवाईसी का नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूँ। इस तरह का नोटिफिकेशन आपको आता है जब आप अपनी पाई नेटवर्क के ऊपर माइने करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो ही आप ओपन करते हैं, आप अपनी फ्री वाली माइनिंग का बटन जो है प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको ऐड देखने को मिलता है। ऐड देखने के बाद आपको केवाईसी का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको नहीं आ रहा तो इस महीने केवाईसी के नोटिफिकेशन जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, केवाईसी का नोटिफिकेशन लाजमी आएगा, सबको आएगा। अच्छा, इसके बाद है व्हेन विल वैलिडेटर रिसीव देयर वैलिडेशन रिवार्ड। जी बिल्कुल, ये आपको पता होगा, वैलिडेटर जो आपकी केवाईसी को अप्रूव करेगा तो उसमें आपको आपके अकाउंट से, आपके मेन नेट से, आपके जो पाई नेटवर्क की माइनिंग की हुई है आपने, वहाँ से एक पाई क्वीन वहाँ से कट जाएगा, वो आपका जो वैलिडेटर होगा उसको मिलेगा। तो हाउ मैनी वैलिडेटर्स आर देयर इन टोटल, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इज़ देयर ह्यूमन वैलिडेशन, बिल्कुल ह्यूमन है इन्वॉल्व्ड इन ऑल वैलिडेशन। तो सॉफ्टवेयर वैलिडेटर जो है वो आपकी वैलिडेशन जो है वो करेंगे, आपका मतलब केवाईसी का सारा प्रोसेस जो है रिव्यू करेंगे। कैन यू शेयर एनी मेन नेट स्टेटिस्टिक विद द कम्युनिटी, क्या आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सारा कुछ अपना शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है पास फ्रेज लैंग्वेज फीचर। जब आप अपना मेन नेट या टेस्ट नेट में जाके अपना पास फ्रेज डालते हैं तो उसमें आपको जो है आपकी लैंग्वेज, मतलब अगर उर्दू है, हिंदी है, तो वो आपको शो हो जाती है, इंग्लिश आपको शो नहीं होती, क्योंकि आपको जो पास फ्रेज है वो इंग्लिश में है। तो ये आपको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो आपको क्लियर कर रहे हैं कि अब हम ना अपनी नोटिफिकेशन जो है वो, अब हम अपना जो नोटिफिकेशन है वो देंगे, उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश का मिल जाएगा। इंग्लिश के ऊपर आपने क्लिक करके आप अपना जो है मतलब पास फ्रेज वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप पास फ्रेज का मैं आपको ये मशवरा दूंगा, पहले तो आप फिंगर के साथ कर लें, दोबारा अगर पास फ्रेज की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, पास फ्रेज आप कहीं पे अपनी डायरी को डाउनलोड कर लें या किसी ऐसे बंदे को व्हाट्सएप करके रख लें, किसी को मैसेज करके रख लें, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो आप पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपका पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। होप सो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।